हे गाइस, वेलकम टू कंचन की क्लासेस बाय इंग्लिश कनेक्शन। मैं आपके लिए लाई हूँ 10 कदम सीरीज, जहाँ आप सीखते हैं 10 यूनिक सेंटेंसेस, साथ ही कुछ बोनस सेंटेंसेस भी। इन सीरीज की खासियत ये है कि वीडियो के एंड में आप एक साथ सारे सेंटेंसेस के स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं, ताकि आप कभी भी कहीं भी प्रैक्टिस कर सकें। अगर आपको अपनी डेली इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और सीखते रहें डेली यूज सेंटेंसेस विद कंचन। अगर आपको कहना हो मेरा मूड ख़राब है, तो आप इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? माई मूड इज़ बैड? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भूल कर भी मत बोलिएगा। मूड का मतलब होता है मनोदशा, और इस सेंटेंस की सही इंग्लिश है आई एम इन अ बैड मूड। आई एम इन अ बैड मूड। आई एम इन अ बैड मूड। इसी तरह से अगर आपको कहना है उसका मूड अच्छा है, तो आप बोलेंगे शी इज इन अ गुड मूड। शी इज इन अ गुड मूड। ठीक है, ये हो गया आपका ये बताने का तरीका कि आपका मूड अच्छा है या फिर आपका मूड ख़राब है। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि चलो शॉपिंग करने चलते हैं, तो आप सिर्फ इतना बोल देते हैं मेरा मूड नहीं है। तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट इन द मूड। आई एम नॉट इन द मूड। आई एम नॉट इन द मूड। या फिर आप बोलते हैं मेरा शॉपिंग करने का मूड नहीं है, तो आप बोलेंगे आई एम नॉट इन द मूड फॉर शॉपिंग। आई एम नॉट इन द मूड फॉर शॉपिंग। और यू कैन से आई एम नॉट इन द मूड टू शॉप। आई एम नॉट इन द मूड टू शॉप। ऑलवेज रिमेंबर, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, जैसा कि मैंने बताया टू शॉप, और फॉर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी एड होता है, जैसा कि मैंने बताया फॉर शॉपिंग। आप किसी को बोलते हैं कि तुम पे ये रंग बहुत फबता है या फिर जचता है, तो आप बोलेंगे दिस कलर रियली सूट्स यू। दिस कलर रियली सूट्स यू। मान लीजिए आप बोलते हैं पीला रंग तुम पर खूब फबता है या फिर पीला रंग तुम पर खूब जचता है, तो इसे आप बोलेंगे येलो कलर रियली सूट्स यू। येलो कलर रियली सूट्स यू। कोई आपसे कुछ करने के लिए बोलता है, तो आप सिर्फ इतना बोल देते हैं कर दूंगा या फिर कर दूंगी, उसे आप बोलेंगे विल डू। यहाँ आपने आई या फिर कोई और सब्जेक्ट नहीं यूज़ किया, तो हमेशा याद रखिएगा ये स्पोकन इंग्लिश में है विल डू, मतलब करूँगा या करूँगी या कर दूंगा या कर दूंगी। अगर आपको बोलना है मैं कल पार्टी कर रहा हूँ या फिर मैं कल पार्टी दे रहा हूँ, तो यहाँ आप करने के लिए डू का यूज़ नहीं करेंगे। आप पार्टी के लिए तीन वर्ब्स यूज़ कर सकते हैं, हैव, थ्रो और गिव। तो आप इसे तीन तरीके से बोल सकते हैं। आई एम हैविंग अ पार्टी टुमारो। आई एम हैविंग अ पार्टी टुमारो। और आई एम थ्रोइंग अ पार्टी टुमारो। आई एम थ्रोइंग अ पार्टी टुमारो। या फिर आई एम गिविंग अ पार्टी टुमारो। आई एम गिविंग अ पार्टी टुमारो। कभी कभी आप फ़ोन पर ही ऑर्डर करके फिर उसे रिसीव करने आते हैं, तो आपको वहाँ पर बोलना पड़ता है मैंने अपना ऑर्डर फ़ोन पर ही लिखवा दिया था। तो फ़ोन पर आपने बोला और उसने उस चीज़ को लिखा, तो इसके लिए आप बोलेंगे आई डिक्टेटेड माई ऑर्डर ओवर द फोन। आई डिक्टेटेड माई ऑर्डर ओवर द फोन। जब कार में या फिर बस में आप बैठते हैं, तो ड्राइवर की बगल वाली सीट के लिए आप बोलते हैं मुझे आगे बैठना है, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉन्ट टू सिट इन द फ्रंट। आई वॉन्ट टू सिट इन द फ्रंट। उसने थैलों को ज़ोर से टेबल पर पटक दिया। कोई भी चीज़ केयरलेस वे में रखना, मतलब पटकना, उसे इंग्लिश में बोलते हैं डम्प। डी यू एम पी, डम्प। तो यहाँ आप बोलेंगे शी डम्प्ड द बैग्स ऑन द टेबल। शी डम्प्ड द बैग्स ऑन द टेबल। नाउ दिस इज द टाइम फॉर बोनस सेंटेंसेस। अगर ऐसा ही चलता रहा तो संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा ही चलता रहा तो, इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ थिंग्स कीप गोइंग लाइक दिस।
इफ थिंग्स कीप गोइंग लाइक दिस इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज इफ थिंग्स कीप गोइंग लाइक दिस इट विल बी डिफिकल्ट टू मैनेज हम एक दूसरे को तब से जानते हैं जब हम 6 साल के थे वी हैव नोन ईच अदर सिंस वी वर 6 वी हैव नोन ईच अदर हम एक दूसरे को जानते हैं तब से सिंस वी वर 6 जब हम 6 साल के थे ऑलराइट गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडे आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको ये वीडियो सच में बहुत अच्छी लगी हो तो एक थम्स अप तो बनता है जाते जाते लाइक बटन जरूर